हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें चार फिगर होते हैं और उन चार फिगर में से तीन फिगर कुछ सिमिलरिटी दिखाते हैं और एक फिगर उनसे ओड होता है। तो हमें यह फाइंड आउट करना होता है कि वो ओड फिगर कौन सा है। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पर क्वेश्चन में चार फिगर दिए हैं। इन चार फिगर में से हमें देखना है कि तीन फिगर कोई सिमिलरिटी देख बता रहे हैं और एक फिगर ओड है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन में देखते हैं तो ये बी की मिरर इमेज आ रही है ऑप्शन ए में, एंड ऑप्शन सी में भी जैसे ए की मिरर इमेज आ रही है और ऑप्शन डी में भी जैसे के की मिरर इमेज आ रही है। बट यहाँ पर ऑप्शन बी में सी की मिरर इमेज नहीं आ रही है। तो ए सी डी तीनों मिरर इमेज पर डिपेंड करते हैं और जिसमें सी सॉरी ऑप्शन बी जो है उसमें सी की कोई मिरर इमेज नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे ओड फिगर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन है, मैं जैसे आई ओ के एंड ई दिया है। तो यहाँ पे अगर हम कोई किसी सिमिलरिटी की बात करें तो लाइनिंग में के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लाइनिंग के अकॉर्डिंग जैसे ओ में कोई लाइन नहीं है, बट इससे कोई प्रॉपर रीज़न नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर जैसे अगर वॉवल्स देखते, देखो यहाँ पर जैसे आई ओ एंड के, आई ओ एंड के एंड ई में यहाँ पर आई ओ ई वॉवल से बट के एक कॉन्सोनेंट से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे के कॉन्सोनेंट है बाकी सब वॉवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो सर्किल एंड ट्रायंगल आ रहा है और एक डॉट आ रहा है। तो ऑप्शन ए में सर्किल और ट्रायंगल की भी के अंदर डॉट की पोजीशन है। ऑप्शन बी में भी एज इट इज डॉट की पोजीशन सर्किल एंड ट्रायंगल में। ऑप्शन सी में भी डॉट की पोजीशन सर्किल एंड ट्रायंगल में। बट ऑप्शन डी में डॉट की पोजीशन ओनली ट्रायंगल में, सर्किल में नहीं है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे ओड फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर ओड की बात की जाए तो यहाँ पर जैसे ऑप्शन ए में ट्राइंगल एंड ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल है, एंड ऑप्शन बी में स्क्वायर स्क्वायर दोनों ही स्क्वायर है, ऑप्शन सी में रेक्टेंगल रेक्टेंगल, बट ऑप्शन डी में यहाँ पर रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल दो डिफरेंट फिगर है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अगर ओड फिगर की बात करें तो यहाँ पे सभी फिगर्स में एक रेक्टेंगल और एक लाइन है जो कि उसको कट कर रही है। जैसे ऑप्शन ए में अगर देखते हैं तो लाइन जैसे
यहाँ पर एक साइड से स्टार्ट हुई और दूसरी साइड पे आई है, और लाइन यहाँ पे वर्टेक्स से स्टार्ट हुई है, दूसरे वर्टेक्स तक आई है, यहाँ पे लाइन वर्टेक्स से स्टार्ट हुई है, फिर दूसरे वर्टेक्स पर आई है। बट ऑप्शन डी में यहाँ पर लाइन वर्टेक्स से स्टार्ट होकर लाइन एक साइड पर आई है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि लाइन जिस जगह से मीन्स अगर साइड से स्टार्ट होती तो साइड पे आती है, वर्टेक्स पर स्टार्ट होती है वर्टेक्स पर ही आती है। बट ऑप्शन डी में यहाँ पर वर्टेक्स से स्टार्ट होकर साइड पर आ रही है, सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में अगर यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें यहाँ पे, तो जैसे या नंबर ऑफ लाइनिंग की बात करें, तो ऑप्शन ए में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनिंग। ऑप्शन बी में 1 2 3 4 5, 5 लाइनिंग। ऑप्शन सी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड ऑप्शन डी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो नंबर ऑफ लाइनिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 7 5 एंड 9 ओड नंबर एंड 10 इज अ इवन नंबर, तो यहाँ पे इवन नंबर्स में लाइनिंग है ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन में हम ओड की बात करें, तो यहाँ पर जैसे देखते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज में देखें, क्लॉकवाइज में तो क्लॉकवाइज में क्रॉस से हम सर्कल पे आ रहे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन बी में क्लॉकवाइज में हम सर्कल से डॉट पर आ रहे हैं, क्लॉकवाइज में ऑप्शन सी में सर्कल से डॉट पर आ रहे हैं, और ऑप्शन डी में भी सर्कल से डॉट पर आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन ए, जहाँ पे हम क्लॉकवाइज में क्रॉस से डॉट पर आ रहे हैं, बाकी सब में हम सर्कल से क्रॉस पर आ रहे हैं, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें तो ऑप्शन ए में ये इस साइड में मूव कर रहा है, ऑप्शन बी में भी इसका टर्न इसी साइड में, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए देखते हैं कि ये फिर वाला पोर्शन जो है वो अगर देखा जाए तो इस साइड में टर्न कर रहा है, ऑप्शन बी में भी क्लॉकवाइज में टर्न कर रहा है, ऑप्शन सी में भी क्लॉकवाइज में टर्न कर रहा है, बट ऑप्शन डी में ये इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज में टर्न कर रहा है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।